नमस्कार, कार्यक्रम तारे आंकते ने देख रहे हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं वास्तु दोषों के बारे में और उनके कुछ उपायों के बारे में। बहुत से दर्शक पूछते हैं कि अगर घर में मंगल ग्रह का दोष हो तो क्या किया जाए। प्रिय दर्शकों, घबराने की जरूरत नहीं है। घर में सिंपली पंचमुखी हनुमान जी की एक तस्वीर दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा में लगा देनी चाहिए। अगर आपके घर का फेस साउथ का है, साउथ फेसिंग है, तो मिट्टी के वानर आप इस तरह से रखें कि वह जब प्रवेश द्वार है आपका उसको देखें, उसकी तरफ मुंह हो। अगर आपकी छत के ऊपर तंदूर रखा हुआ है तो उसको हटाना ही आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि अगर तंदूर वहां पर पड़ा रहेगा मंगल का प्रभाव और बढ़ेगा, आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब राहु की बात करेंगे, राहु और घर का वास्तु, क्योंकि वास्तु और स्टार्स दोनों का आपस में बहुत ज़्यादा ताल्लुक आते हैं। यदि आपके घर में दक्षिण दिशा या दक्षिण पश्चिम दिशा के कमरे का या बेडरूम में नीले रंग का प्रयोग किया गया तो बहुत ही बुरा फल प्रदान करेगा। वैसे नीला रंग एक ठंडा रंग है, लेकिन जब राहु अच्छा नहीं होता तो ये रंग आपके लिए कल्याणकारी नहीं होगा किसी भी हालत में। राहु की शुभ स्थिति जब भी आती है तो आपको कई प्रॉब्लम्स आएंगी। ऐसे अगर आपके घर की छत के ऊपर केमिकल्स की पुरानी बोतलें हैं, कूड़ा कबाड़ करकट है, तो आपका राहु और ज़्यादा बलवान हो जाएगा। बुरा राहु आपको और ज़्यादा नुकसान देगा, इसलिए रंग अगर वहाँ पड़ा हुआ है, यानी कि राहु का कारक और कूड़ा कबाड़ पड़ा हुआ है, तो उसका हटाना ही आपके लिए उचित रहेगा। फिर बात करते हैं केतु ग्रह के बारे में। अगर आपके घर के फर्श में सफ़ेद और काली यानी कि दो रंगों की टाइल्स लगी हुई हैं तो आपके घर में केतु का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि उसके बुरे प्रभाव में वृद्धि हो जाएगी। तो सिंपली वास्तु में, क्योंकि फर्श को तोड़वाकर बनवाना मुश्किल है, पैसा भी बहुत लग जाता है, तो आप राहु के बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए उसके ऊपर कोई दरी या कोई गलीचा बिछा देते हैं तो ठीक रह जाएगा। फिर आखिर में आज बात करेंगे बृहस्पति ग्रह के बारे में। आपके घर के बाहर नीले रंग की अगर आप सफ़ेदी करवाते हो तो कई बार ये अशुभ होती है, पीले रंग की सफ़ेदी। तो भवन के ईशान कोण में इसी तरह से गेंदे का पौधा लगाना ये उचित रहता है अगर ऐसी प्रॉब्लम है, और इन फूलों को भगवान विष्णु जी को अर्पित करें तो बहुत बढ़िया रहता है। अब आखिर में बात करेंगे, जैसे हमने पिछले दिनों में बताया आपको, निमोनिया के बारे में। निमोनिया की हालत में द्रक्षा रेस्ट 2 तोला 30 मिलीलीटर लो, उसमें जो है अपामार्ग जो चिड़चिड़ा का क्षार या कंटकार यानी कि कटेली क्षार, ये आयुर्वेदिक औषधि विक्रेता से आपको मिलेगी, ये लें। ये खुराक बन जाती है, 4 खुराकें बनाकर दिन में खाएं, कफ पतला होकर निकल जाएगा। निमोनिया की खांसी में इससे बहुत लाभ होता है। रोगी की कमजोरी या प्रलाप में रात को सोते समय एक गोली जो है महालक्ष्मी विलास रस या बृहद कस्तूरी भैरव रस या सिद्ध मकर ध्वज की एक मात्रा, एक रत्ती यानी कि 125 मिलीग्राम, 1 ग्राम का 1/8 हिस्सा, और पीपल का चूर्ण जो है 250 मिलीग्राम, ये लेके शहद और जो वासक आड़सू का शरबत होता है उसके साथ देते हैं तो निमोनिया ठीक हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ एक आप आयुर्वेदिक चिकित्सक के साथ भी संपर्क कीजिए। नहीं कर सकते तो हमारी टीम आती है, हर 15 दिन के बाद उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल बता दें कि अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर सुखमंदर लुधियाना इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सेम नाम से हमारा पेज है फेसबुक का, उसको भी लाइक कीजिएगा, और व्हाट्सएप पे हमारे नंबर 9872602533 को आप ऐड करने के लिए अपना नाम, सिटी नेम, कंट्री नेम हमें ज़रूर भेजिएगा। आज का राशिफल, मेष राशि वाले जो है उनको आज शादी की बातचीत चल सकती है, जबकि वृष राशि वालों की बीवी नाराज हो सकती है। मिथुन राशि वाले भागम भाग लगी रहेगी। कर्क राशि वाले सरकारी अधिकारियों के साथ बिगड़ सकती है। सिंह राशि वाले नाम मान सम्मान होगा। फिर कन्या राशि वाले आज का दिन नौकरी जा सकती है। तुला राशि वाले प्रेम जाग सकता है किसी के लिए मन में। वृश्चिक राशि वाले आज आपका मोबाइल खो सकता है। धनु राशि वाले आज
तोहफे मिलेंगे। मकर राशि वाले मीडिया में छाए रहेंगे, कुंभ राशि वाले जिधर भी जाएंगे हर तरफ जयकार होगी, और मीन राशि वाले खर्चे ज़्यादा पड़ेंगे। स्वभाव से दर्शक पूछते हैं, सुखविंदर जी हम भी आकर मिलना चाहते हैं आपसे, तकदीर का हाल जानना चाहते हैं, रतन रुद्राक्ष लेके पहनना चाहते हैं, वास्तु का विजिट कराना चाहते हैं, नक्शा चेक कराना चाहते हैं या टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेनी चाहते हैं। प्रिय दर्शकों, इन सभी चीज़ों के लिए सबसे पहले आप समय ले लीजिए, हमारा पता नोट कर लीजिए, एस्ट्रोलॉजर सुखविंदर 30G सराबा नगर लुधियाना पंजाब इंडिया, फोन नंबर 9417020533 और व्हाट्सएप नंबर 9872620533। जाने से पहले यही कहेंगे, सबसे ऊंचा दर्जा माँ का, पिताजी का आशीर्वाद लो और अच्छे काम करो, लाइफ आपकी निश्चित रूप में बढ़िया होगी। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।